लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती सिर्फ गुजरात में ही नहीं मनाई गई, बल्कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का सलेमपुर क्षेत्र, जहां आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को स्थानीय सांसद और विधायक ने धूमधाम से मनाया। ऐसी बात नहीं, गांधी जी का माल्यार्पण पहले किया गया, आते ही करके हम लोग गए, तब तक आप लोग आए नहीं थे। ठीक है, देखिए आप लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर बनाने के लिए उस समय कानून लगा चला करके मंदिर बनाने का किया था, उसी तरह से मोदी जी को चाहिए, और ये पूरे देश की जनता की राय है कि पार्लियामेंट के अंदर कानून ले आ करके और राम मंदिर का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि आज की जो हमारी न्यायपालिका जिस तरीके से 48 सालों से आज उसको बराबर डालने का काम करती है, और न्यायपालिका की उपेक्षा हम कह सकते हैं, उपेक्षा के कारण आज रामलला टेंट में विराजमान है। निश्चित रूप से उस पर न्यायपालिका को तत्काल निर्णय देना चाहिए, लेकिन 29 अक्टूबर से डे बाई डे जो सुनवाई होनी थी उसको भी न्यायपालिका ने इस तरीके से टाला है कि अभी जब सुनवाई होगी आगे, जो मार्च में कह रहे हैं, कोई निश्चित डेट नहीं बता रहे हैं, उस पर भी इस बात पर सुनवाई होनी है कि कब से सुना जाएगा। तो ये लिंगर ऑन करने का जो हमारी न्यायपालिका काम है, ये अच्छा नहीं है, देश के हित में नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये आज का मुद्दा नहीं है, कोई ये नहीं है कि 2019 का चुनाव है, इसके पहले भी तमाम चुनाव आते रहे हैं जाते रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रहा है। हम चाहते हैं कि न्यायालय के फैसले से मंदिर बने, लेकिन जिस तरीके से न्यायालय देश की जनता की जनादेश का अवहेलना कर रही है, तो इसके लिए एक ही रास्ता बचता है कि पार्लियामेंट के अंदर कानून लाया जाए और मंदिर बनाया जाए। सांसद ने राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिस तरह अन्याय देश की जनता के जनादेश की अवहेलना कर रहा है, हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में एक कानून पास कर राम मंदिर का निर्माण कराया जाए। एसपीएन न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।